हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास नायरा ड्रेस है और इसमें हमें यहाँ पर नेट की बाजू लगानी है। और ये देखिए नायरा ड्रेस है, ये देखिए, और लॉन्ग में है ये। और इसमें हम नेट की बाजू किस तरीके से लगाएंगे तो वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ से यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हमें खोलना होगा। और जो बाजू है वो हमें ये नेट की बाजू इसमें लगानी है, और इनको भी हम थोड़ा थोड़ा नीचे से इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ से इतना इतना करके हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और देखिए ये यहाँ तक इनको थोड़ी थोड़ी सिलाई हमें खोलनी है इसकी। ये इस तरह से करके थोड़ी थोड़ी सिलाई हमें यहाँ से खोलनी है। ये देखिए इतनी इतनी इसी तरह से हमें इस साइड से भी ये थोड़ी थोड़ी खोलनी होगी। ये देखिए इधर से भी हमें थोड़ी सी खोलनी होगी, इतनी ही खोल लेंगे इधर से भी। तो देखिए इस साइड से भी हमने थोड़ी थोड़ी खोल दी है। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको थोड़ा थोड़ा खोल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा हम इसको नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी बाजू पर देखिए बाजू हमने नीचे से फोल्ड कर लिए। और अब सबसे पहले एक सेंटर का निशान पूरी मिलाते हुए बाजू को सेंटर का निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे। ये देखिए तो दोनों बाजू में हमें ये सेंटर का निशान लगाना है। और जो ये हमारी नायरा कुर्ती है तो जो हमने ये सेंटर का निशान की कटिंग की है तो ये देखिए इसको हम इस तरीके से जो हमारे कंधे की सिलाई है ये हमारे आर्म होल है और ये कंधे की सिलाई है। तो इसको जो सेंटर इसका है हमारा यहाँ से इसको इस तरह से पूरा मिलाकर और ये जहाँ तक हमारी कंधे की आर्म होल की जो हमारी फिटिंग तक हमारा ज़रूर आनी चाहिए तो इस तरीके से हम यहाँ से किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो आप पूरा इस तरीके से नीचे की तरफ से मिलाते हुए रखें। कई बार हमारा ऐसा होता है ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा, तो पूरा हमें दोनों तरफ से बराबर हमें सिलाई आनी चाहिए इस तरीके से। इस तरह निशान लगाएं और बराबर बराबर हमें इसको फोल्ड करना है इसके अंदर। और देखिए इतना इतना कपड़ा लेकर हमें इसमें चलना है जो हमने निशान लगाया इस निशान तक का। दोनों तरफ से हमें निशान तक का ही इतना इतना कपड़ा लेकर सिलाई में चलना है। ये देखिए और देखिए यहाँ पर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे इसमें जो हमने निशान लगाए। ये देखिए इसको इस तरह रखेंगे और किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरा जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक इसको इस तरीके से रखेंगे। और देखिए जो कट है वो हमारा कंधे की सिलाई पर इस तरह पूरा बराबर आना चाहिए। ये देखिए ये देखिए इस तरह घुमाते जाइए अपने आर्म होल की साइड को, अपनी जो हमारी बाजू है उसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। और इस साइड भी हमने निशान लगाया था तो उसी निशान तक हमारा ये कपड़ा आर्म होल का जहाँ तक आएगा वहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी यहाँ तक है तो यहाँ तक हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मिल गया इसमें। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी बाजू यहाँ पर लग गई है। अब एक सिलाई हम पहली सिलाई हमने यहाँ लगी और दूसरी सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि हमारी जो बाजू है अच्छी तरीके से पक्की हो जाए।
पूरा कपड़ा पीछे से नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को निकालते हुए, और यहाँ पर पहली सिलाई हमने यहाँ किनारे पर लगाई और दूसरी हम यहाँ लगाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए एक तरफ की बाजू हमने लगा कर तैयार कर ली है। 5.5 इंच की हमने इसमें मोरी तैयार करनी है। तो सबसे पहले जो दूसरी साइड की बाजू है वो हमें इसी तरीके से लगानी है। और देखिए इसको भी जो हमारा कट का निशान है कंधे की सिलाई के साथ इस तरह ही रखना है इसको। और हमें ये नीचे की तरफ भी देख लाना चाहिए कि ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारा पूरा सीधी साइड आएगा और ये उल्टी साइड। और इस तरह जो ये कपड़ा हमें ये नीचे उल्टी तरफ रखकर इस तरीके से और यहाँ किनारे किनारे पर पहली सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले एक निशान हम पूरी नीचे से मिलाते हुए यहाँ लगाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ। और उसके बाद इसमें भी जितना कपड़ा हमें लेके चलना है अंदर की तरफ उतने उतने पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम ये बाजू लगाते हैं तो कई बार हमारी बाजू आगे की तरफ लगाते हैं या तो हमारी इधर से ऊपर नीचे हो जाती है, और या फिर हम जब इसको जोड़ते हैं तो ये सिलाई हमारी पूरी आपस में नहीं मिल पाती तो ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस चीज़ का हम अवश्य ध्यान रखें और इसको ध्यान से लगाएं इसको इस तरीके से। और जो हमारी कंधे की सिलाई है वो हमारे पूरे कट के साथ मिली होनी चाहिए। और देखिए जो हमने कट लगाया था वो पूरा हमारे कंधे की सिलाई के साथ इस तरह मिला हुआ है, और इसको आगे भी हमें इसी तरह से पूरा मिलाते हुए इसको सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे पर। फिर हम बाद में सिलाई लगाएंगे एक आगे की तरफ। अब दूसरी सिलाई हम आगे की तरफ इस तरह, पहली सिलाई हमने यहाँ किनारे पर लगाई और दूसरी इसके पीछे लगाएंगे। इस तरीके से बाजू आप लगाएंगे बहुत आसान तरीके से लगेगी और एकदम बहुत अच्छे से लगेगी हमारी बाजू। तो देखिए दोनों तरफ हमने बाजू को इस तरीके से लगा लिया है, पूरा कंधे की सिलाई से मिलाते हुए लगाना है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और 5.5 इंच की मोरी का निशान लगाकर हम सिलाई लगाएंगे सीधी। और ये देखिए यहाँ से भी हमें पूरी हमारी बाजू मिली हुई है, और ये देखिए यहाँ पर जो हम इसमें पाइपिंग निकली हुई है ये भी हमारी यहाँ पर पूरी मिली हुई है। तो कई बार ये हमारी इस तरह ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि हमारी सिलाई ठीक तरह से नहीं लगती। कई बार हम यहाँ से अधिक फोल्ड कर देते हैं, एक तरफ से ज़्यादा हो जाता है और एक तरफ से कम हो जाता है। और इसी तरीके से एक तरफ से हम अंदर ज़्यादा कपड़े ले लेते हैं और एक तरफ से कम ले लेते हैं ये कपड़ा हम, तो उस वजह से हमारी ये पूरी इतना इतना फ़र्क हो जाता है, तो वो हमारा इसमें नहीं है। तो आप इस तरीके से निशान लगा कर करेंगे तो आपकी बाजू बहुत अच्छी तरह से हमेशा इस तरह कुर्ते के साथ लगेगी। आप चाहे नेट की बाजू लगाएं या सिंपल बाजू लगाएं तो तरीका यही है लगाने का, और इस तरीके से लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आपकी बाजू लगेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर ये निशान लगाकर 5.5 इंच का और सीधी हम इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वहीं तक हमें इस निशान को लगाना है। पूरा इस कपड़े को हमें पूरा मिलाकर इस तरीके से रखना है और सीधा हमें यहाँ सिलाई लगानी है। अब इसी पर हमें निशान पर सिलाई लगाएंगे, पूरा अपने कपड़े को पूरा मिलाकर, और थोड़ी सी अंदर की तरफ हम गहराई देंगे ताकि फिटिंग अच्छी आए। ये देखिए हमारा पूरा कपड़ा आपस में इस तरीके से पूरा मिला हुआ है। और ये जो हमारी फिटिंग की इसमें सिलाई लगी हुई थी इसी के अनुसार हमें लगानी है। ये देखिए इस तरीके से डबल सिलाई हम इसको कर देंगे ताकि हमारी बाजू अच्छी तरीके से पक्की लग जाए। ये देखिए बाजू हमारी एक तरफ लग चुकी है, इसी तरह हमें दूसरी तरफ बाजू लगानी है।
और इस बाजू पर भी इसी तरह निशान लगाकर हमें सिलाई लगानी है। देखिए ये भी हमारी पूरी आपस में इस तरह यहाँ पर भी मिली हुई है और यहाँ पर भी हमारी जो बाजू है पूरी आपस में मिली हुई है। तो 5.5 इंच की मोरी का हम निशान इस पर लगाएंगे और इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे हम। थोड़ा जो निशान लगाया उससे हल्की सी आगे, और जो यहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई है उसी पर हमें सिलाई लगानी है। डबल सिलाई इसको भी करेंगे हम। तो देखिए दोनों तरफ हमने बाजू को लगा दिया है और देखिए फ्रेंड्स कितनी सफाई के साथ हमने बाजू को इस तरीके से हमने अपने नायरा सूट में हमने इस तरीके से लगाया है। ये देखिए नायरा सूट है ये, और इसमें हमने नेट की बाजू को लगाया है। बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।